हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हेयर टू स्टडी आवर चैप्टर 5 फ्रॉम 12th क्लास इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक एंड द चैप्टर नेम इज इंडिगो रिटन बाय लुई फिशर। सो स्टूडेंट, इंडिगो, व्हाट एग्जैक्टली इंडिगो इज? इंडिगो यूज टू बी बेसिकली, इंडिगो का मतलब होता है नील। जैसे कि हम लोग घरों में, आपने देखा हो कि नील आता है जिसकी हम कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, उस सेंस में जो होता है नील, वो जो होता है इंडिगो, बेसिकली कलर बोला जाता है इंडिगो कलर, जो नीला कलर होता है। तो इंडिगो की जो थी, पहले के टाइम में क्या होता था, हार्वेस्टिंग की जाती थी, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है एक्चुअली बेस्ड है, लुई फिशर जो इस चैप्टर के राइटर हैं, ही हैज़ रिटन वन ऑफ द फेमस बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी जी। ओके, सो ये बहुत अच्छी उन्होंने बुक लिखी थी महात्मा गांधी की लाइफ के ऊपर। तो आपका ये जो चैप्टर है इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम दिस बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी रिटन बाय लुई फिशर। सो इन दिस चैप्टर देखते हैं कि कैसे ये जो इंडिगो है, ये एक सोर्स बना गांधी जी के लिए, एंड गांधी जी इज टेलिंग अस व्हाई ही हैज़ डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। उन्होंने क्या ऐसा हुआ कि ब्रिटिश लोगों को बोला कि वो ये हमारा देश छोड़कर चले जाएं। तो ये जो चैप्टर है, हम इसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, वो कहते हैं, अब यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार गांधी से 1942 में उनके आश्रम सेवाग्राम में, जो सेंट्रल इंडिया में है, उनसे मिला, ही सेड, उन्होंने बोला, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों डिसाइड किया, ऐसा क्या हुआ था जिससे कि मैंने जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहाँ से चले जाने के लिए बोला। इट वॉज़ इन 1917 की बात है। ही हैड गोन टू द डिसम्बर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वो दिसंबर 1960 में एनुअल कन्वेंशन थी नेशनल कांग्रेस पार्टी की लखनऊ में, वहाँ गए थे। देर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो वहाँ पर जो है 2301 जो थे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर आए हुए थे, और बहुत से लोग वहाँ पर आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, आगे बताते हुए गांधी जी याद करते हैं, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। कहते एक किसान मेरे पास आया जो कि दिखने में बिल्कुल जो इंडिया के और नॉर्मल किसान है वैसा ही लगता था, पुअर एंड इमेशिएटेड, गरीब और बहुत पतला सा, एंड सेट, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी डिस्ट्रिक्ट में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, गांधी जी ने कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और ये कहाँ पर था, जो बहुत ऊंचा जो हिमालय है उसके नीचे की तरफ नेपाल राज्य के वहाँ पर ये जो था डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर थी। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक पुराने अरेंजमेंट के अंदर, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, जो चंपारण के किसान थे वो शेयर क्रॉपर से, उनके यहाँ जो क्रॉप होती थी, जो फसल होती थी, वो बांट के करते थे, उसमें कुछ शेयर जो होता था वो अंग्रेजों का होता था, इनका एक पुराना एग्रीमेंट चला आ रहा था उसके हिसाब से। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उन गरीब किसानों में से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो अनपढ़ थे लेकिन उनमें बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूट होना किसी चीज़ के लिए डिटरमाइंड होना, दृढ़ निश्चय वाले थे। He had come to Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar. वो वहाँ पर आए थे Congress session में complaint लेकर कि जो landlord system है बिहार में उसकी
उनकी तरफ से जो अन्याय हो रहा था उसकी कंप्लेंट लेकर आए थे. एंड somebody had probably said speak to Gandhi, और शायद किसी ने बोल दिया होगा कि गांधी से बात करो इस बारे में. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर. स्टूडेंट ये जो कानपुर है दिस इज कानपुर जो यूपी में सिटी है, तो पहले जो थी उसका ऐसे नाम लिखा जाता था दिस इज कानपुर. तो वो कहते हैं कि गांधी जी ने शुक्ला को बोला कि उनका एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने और भी कमिटमेंट कर रखे कि इंडिया के और पार्ट्स में भी उन्हें जाना है. शुक्ला अकंपनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उनके साथ हर जगह गया. देन गांधी रिटर्न्ड टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. फिर गांधी जो थे अपने आश्रम में जो अहमदाबाद के पास था वहाँ पर वापस आए. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी उनके आश्रम तक उनके पीछे पीछे आया. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा, वो गांधी जी के साथ साथ ही रहे. फिक्स अ डेट ही बैग, और उन्होंने प्रार्थना की कि एक डेट फिक्स कर दो कि आप कब मिल सकते हो. इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी गांधी सेड, और जो गांधी जी थे वो उस शेयर क्रॉपर किसान की टेनेसिटी मतलब डिटर्मिनेशन से और उसकी कहानी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा आई हैव टू बी इन कैलकटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कहते मुझे कैलकटा जाना है इस डेट को, कैन मैन मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम दैट, वहाँ पर आओ मुझसे मिलो और मुझे अपने साथ ले जाओ. मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए. शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हंचेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकटा वेन गांधी अराइव्ड. तो शुक्ला जो था हॉन्चेस होता है फिक्स प्लेस जो कहा गया था, तो शुक्ला जो था अपने फिक्स प्लेस पर जहाँ पर अपॉइंटमेंट की जगह रखी गई थी कैलकटा में मिलने की वहाँ पर बैठा हुआ था और तब गांधी आए. ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने तब तक वेट किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए. देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और उसके बाद वो दोनों ने एक ट्रेन पकड़ी जो कि बिहार की सिटी पटना में जाती थी. देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, और तब शुक्ला जो है उन्हें एक लॉयर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेजिडेंट बन गए थे एंड ऑफ इंडिया और इंडिया के प्रेजिडेंट बने. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय टाउन के बाहर शहर बाहर के बाहर गए हुए थे. बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यो मैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, और वो जो बेचारे अब जो वहाँ पे नौकर थे वो जानते थे कि शुक्ला तो एक बहुत गरीब सा यो मैन मतलब एक फार्मर बहुत गरीब सा किसान है और वो मतलब उनके मास्टर को जो पेस्टर्ड मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि वो उनके जो इंडिगो शेयर क्रॉपर है उसमें उससे बचाने में उनकी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की हेल्प कर सकें. तो वो बार बार जो है राजकुमार शुक्ला की हेल्प कर सके, तो वो जो शुक्ला है बार बार राजेंद्र प्रसाद के पास आता होगा, तो जो नौकर थे वो जानते थे कि ये फिर से हेल्प लेने के लिए आया होगा वहाँ पर. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, तो उन्होंने उसे ग्राउंड में ही रहने को बैठने को कहा अपने कंपेनियन अपने साथी गांधी के साथ. हुम दे टुक टू बी अनदर प्रेजेंट, जो कि उन्होंने सोचा ये भी एक कोई और किसान ही होगा. बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, और वहाँ पर गांधी जी को परमिशन नहीं थी कि वो कुएं से कुछ पानी निकाल सके क्योंकि उन्हें ये था कि अगर उस बकेट में से कुछ बूंदे भी पानी की बाहर गिर गई तो वो पूरा का पूरा जो सोर्स है पूरा एंटायर जो वो उनका घर है वो क्या हो जाएगा, जो जगह है वो पूरी क्या हो जाएगी, पॉल्यूट हो जाएगी, खरा दूषित हो जाएगी. हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, अब उन्हें कैसे पता होता कि वो अछूत नहीं है. गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने डिसाइड, अब इसके बाद बताते हैं कि गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे. विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था. टू ऑब्टेन मोर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, क्यों जाना था उन्हें मुजफ्फरपुर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस सिचुएशन के बारे में, जितनी शुक्ला बता सकता था वो मतलब सफिशिएंट नहीं थी, तो शुक्ला जितना बता सकता था उतना तो उसने बता दिया था, लेकिन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे पहले मुजफ्फरपुर जाना होगा. ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर,
तो उन्होंने पहले ही एक टेलीग्राम भेज दिया था प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, जो कि मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, whom he had seen at Tagore शांति निकेतन स्कूल, जिससे वो मिले थे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में. द ट्रेन अराइव्ड एट midnight 15 अप्रैल 1917. सो जो ट्रेन थी आधी रात को 15 अप्रैल 1917 पे आई. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. कृपलानी जो थे वहाँ पर वेट कर रहे थे स्टेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. अब वहाँ पर जो थे मुजफ्फरपुर में, गांधी जी जो थे एक प्रोफेसर थे मलकानी, उनके घर पर 2 दिनों के लिए रहे थे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे. इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड. अब गांधी जी ने बताया उन दिनों तो ये बहुत अलग सी बात होती थी कि मतलब कोई ऐसे बाहर से कोई आ रहा है कि किसी का केस देखने के लिए उन्हें रुकना था, तो ये एक जो है नॉर्मल बात नहीं होती थी. फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि मतलब एक गवर्नमेंट प्रोफेसर को मुझ जैसे आदमी के लिए को अपने घर में ठहराना कोई आम बात नहीं थी उन दिनों. इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. अब क्यों ये आम बात नहीं थी, क्योंकि उन दिनों में जो छोटे एरियाज थे वहाँ पर इंडियंस डरते थे किसी भी मतलब ऐसे आदमी को दया दिखाने में डरते थे जो कि जो है होम रूल मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्वराज के लिए एडवोकेट करता है, उसका फेवर करता है, उसका पक्ष लेता है. अगर कोई ऐसा आदमी को वो अपने पास रख लें, अपने साथ रख लें ऐसे इंडियन को, तो उन्हें डर लगता था कि कहीं ब्रिटिश उन्हें मारे यहाँ. तो इसलिए इंडियन जो थे वो डरते थे ऐसे लोगों को अपने घर में रखने में, उनके से सिंपैथी दिखाने में. द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर. गांधी जी के एडवेंट मतलब अराइवल, गांधी जी के आने की खबर और उनका जो मिशन था वो जो था बहुत तेज़ी से फैल गया था मुजफ्फरपुर से बाहर एंड टू चंपारण. और चंपारण पूरे मुजफ्फरपुर और चंपारण में जो था ये बात फैल गई कि गांधी जी जो है वहाँ पर शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए आए हैं. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फूट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन. अब जो शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के वो नंगे पैरों मतलब पैरों पे चलकर आने लगे, मतलब किसी गाड़ी वाड़ी तो उस टाइम उनके पास होती नहीं थी, तो वो पैदल चलकर अपने और कुछ लोग जो थे किसी कन्वेंस से आते थे अपने चैंपियन को देखने कि कौन है जो हमारे लिए ऐसा जो हमारा केस लड़ रहा है. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. अब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे वो गांधी जी से मिलने गए ताकि उनको ब्रीफ में बता सके पूरी कहानी क्या है. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट. अब वो क्या करते थे, आए दिन जो किसानों का ग्रुप होता था कोर्ट में वो पेश करते थे. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी. उन्होंने पूरी बात गांधी जी को बताई कि कैसे कैसे हम गरीब किसानों का ग्रुप को जो है कोर्ट में लेके जाते हैं, पेश करवाते हैं, और उन्होंने बताया पूरा केस बताया वहाँ का, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो फीस ले रहे हैं किसानों से, बेचारे गरीब किसानों से इस केस को लड़ने की. गांधी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. गांधी जी ने लॉयर्स को डांटा कि वो इतना बड़ा अमाउंट फीस का ले रहे हैं शेयर क्रॉपर से. ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कहते मैं इस कंक्लूजन पे नतीजे पर निकला हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, कि हमें अब कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, कहते ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है. वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस. जहाँ पर किसानों को इतना ज़्यादा दबाया जाता है और किसान इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, वहाँ पर इन कानूनों की कोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है. द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, जबकि एक उनके लिए एक सही में जो रिलीफ क्या होगा कि उनका जो डर है उन्हें उनसे फ्री किया जाए, बजाय कि ये जो उनकी शेयर क्रॉपिंग का जो एग्रीमेंट है उससे फ्री करने से पहले गांधी जी कहते हैं कि पहले तो इनको इनके डर से फ्री किया जाए. मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट ओन बाय इंग्लिश मैन. अब कहते हैं यहाँ पे गांधी जी कि मोस्ट ऑफ अरेबल मतलब जो कल्टिवेटेड लैंड होती थी, जो फसल वाली लैंड होती थी, ज़्यादातर जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट की फसल वाली जो लैंड होती थी वो डिवाइड थी
जिसमें बड़ा जो पार्ट था वो इंग्लिश मैन वो जो थे अपनी जागीर समझ के वो उनके पास होता था, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स जिसपे वो गरीब किसानों को एज ए किराएदार काम करवाते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और उनको बोला गया था कि इनको ज़्यादातर फसल किसकी करनी है, इंडिगो की करनी है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो, और उन्होंने कहा कि जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट्स को किराएदारों को मजबूर करते थे कि वो अपने प्लांट का 3/20 पार्ट और 15% पार्ट जो है वो किस पे करें, इंडिगो की होल्डिंग होनी चाहिए, इंडिगो होना चाहिए, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और वो क्या कहते थे, ये जो 15% जो वो इंडिगो की हार्वेस्टिंग करते थे वो एज इट इज़ 15% हार्वेस्टिंग जो थी पूरी उन्हें अंग्रेजों को दे देनी है, वो उनका एज ए रेंट किराए के तौर पर। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा जो है बहुत एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलता आ रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड्स को ये पता चल गया कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया है। देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन। अब क्या किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, सारे एग्रीमेंट्स मंगवा लिए शेयर क्रॉपर से, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इस 15% के एग्रीमेंट से रिलीफ होना रिलीज होना है, छोड़ना है, अपने आप को इससे रिफ्री करना है, तो तुम्हें हमें अपना एक कंपेंसेशन इसके लिए बड़ा अमाउंट पे करना होगा। द शेयर क्रॉपर अरेंजमेंट वॉज इरक्सम टू द पीजेंट्स, और जो शेयर क्रॉपिंग का ये जो अरेंजमेंट का जो अमाउंट था किसानों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि बहुत ज़्यादा था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, काफ़ी ने तो अपनी इच्छा से इस पर साइन कर दिए। दोज हु रेजिस्टेड, जिन्होंने मना किया, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स रख लिया कि भाई वो इनके लिए केस लड़े। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और लैंडलॉर्ड थे उन्होंने गुंडे अपने बुला लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और अब क्या हुआ, ये जो आर्टिफिशियल इंडिगो की बात थी ये जो अनपढ़ किसानों तक पहुंची और जिन्होंने ये साइन कर चुके थे एग्रीमेंट, अब वो चाहते थे कि उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि उन्हें था कि ये तो वो चाहें कि हाँ हम इंडिगो की यहाँ पे हार्वेस्टिंग करेंगे, तुम ले लो हमसे, लेकिन वो लेना ही नहीं चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि उन्हें था कि अब उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से किसानों ने कहा जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो तुम हमें वैसे फ्री में ही फ्री करो, हम क्यों तुम्हें इसके लिए कंपेंसेट करें इस चीज़ के लिए। तो इसलिए वो सारे चाहते थे कि उनके जिन्होंने साइन कर दिए हैं उन एग्रीमेंट पे वो अपने पैसे वापस लेना चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और अब इस पॉइंट पे गांधी जी चंपारण में आ गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें जो है सच का पता चल सके। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, तो सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड की एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी के यहाँ विजिट किया। देखिए सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, अब सेक्रेटरी ने क्या बोला कि वो एक बाहर के बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, अब गांधी ने बोला कि वो कोई बाहर का आदमी नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑन द तिरहट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, अब क्या हुआ गांधी जी को ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे तिरहट डिवीज़न में जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी, उन्होंने गांधी को बुलवाया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी ने बोला कि कमिश्नर प्रोसीड टू बली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहट, और उन्होंने आगे बोला कि जो कमिश्नर था उसने मुझे बली में मतलब बुली मतलब बुली करना मतलब धमकी देना धमकाना, तो कहते उसने मुझे धमकाया और मुझे एडवाइस दी कि मैं अभी के अभी क्या कर दूं तिरहट को छोड़ दूं। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी ने नहीं छोड़ा, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, बल्कि वो आगे मोतिहारी तक गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण जो कि चंपारण की कैपिटल थी राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स एकम्पनीड हिम, कई लॉयर्स उनके साथ गए थे। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर में गए एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स, और उस घर को उन्होंने हेडक्वार्टर की तरह ट्रीट किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और वहाँ से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो थी जारी रखी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पेजेंट हैड बीन maltreated in nearby village,
और तभी उन्हें एक खबर आई कि एक किसान जो है उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया है पास के एक गांव में। गांधी ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे एंड सी देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो अगली मॉर्निंग जो था वो एक हाथी पर बैठकर जा रहे थे वहाँ पर। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर्स ओवरटेक टुक हिम। अभी वो ज़्यादा दूर गए भी नहीं थे कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर जो था उसका दूध जो था उसने गांधी को ओवरटेक कर लिया एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन। और उसे उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो वापस शहर की तरफ चले इन हिज कैरेज उनकी गाड़ी में। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने ऑर्डर फॉलो किया। कंप्लाइड मीन्स फॉलो द ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर फॉलो किया। द मैसेंजर ड्रॉप गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब जो मैसेंजर था वो ड्राइव करके गांधी को उस घर पर ले गया जहाँ पर ही सर्व्ड हिम, जहाँ पर उसे ऑफिशियल नोटिस मिला था चंपारण को उसी टाइम छोड़ने का। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी ने अब वो नोटिस मिला तो उसकी रिसिप्ट दे दी वहाँ पर एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिख दिया दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे, मानेंगे नहीं। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपियर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस, क्या परिणाम निकला कि गांधी को एक समन, समन क्या होता है, कोर्ट की, कोर्ट्स की तरफ से जो ये कानून की तरफ से कोर्ट होते हैं तो वो जो अपने अपराधियों को या गवाहों को जब कोर्ट में बुलवाते हैं तो समन भेजते हैं। तो गांधी जी को एक समन रिसीव हुआ जिसमें उन्हें बोला गया कि अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम लिखा कि वो बिहार, वहाँ से बिहार से आएँ और अपने साथ कुछ अपने जो भरोसे के फ्रेंड्स हैं उनको लेकर आएँ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेजे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट ऑफ रिपोर्ट टू द वायसराय, उन्होंने पूरी वायसराय की जो रिपोर्ट थी टेलीग्राम करी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और सुबह में मोतिहारी जो गांव था पूरा गरीब किसानों से भरा हुआ ऐसे लग रहा था कि हर जगह जो थे ब्लैक विद पीजेंट, मतलब हर जगह वो गरीब किसान थे, पूरा जब किसानों से वो मोतिहारी विलेज भर गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, कोई नहीं जानता था उनमें से कि गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड था, वो कैसे थे। दे हैड मर्ली हर्ड दैट महात्मा हु वॉन्टेड टू हेल्प देम वॉज इन ट्रेबल, वो सिर्फ इतना जानते थे कि एक महात्मा जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं वो अब परेशानी में है, ट्रबल में है, विद द अथॉरिटीज, जिन्हें जो है अथॉरिटीज़ परेशान कर रही हैं। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगनिंग ऑफ द लिब्रेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, और अचानक से जो उनका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ वो सारी भीड़ एक साथ इकट्ठी हो गई हज़ारों में कोर्ट के चारों तरफ, वो शुरुआत थी उनके डर से, जो ब्रिटिश से उन्हें जो डर लगता था उससे उनको फ्रीडम दिलाने के लिए ये उनकी शुरुआत थी। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, अब उस भीड़ को जब कंट्रोल में करना था तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे वो भी पावरलेस फील कर रहे थे, मतलब उन्हें लग रहा था कि उनकी पावर भी जो है काम नहीं दे रही है विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, गांधी के कोऑपरेशन के बिना वो जो है बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, तो गांधी जी ने उनकी हेल्प करी क्राउड को मैनेज करने के लिए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, तो गांधी जी पोलाइटली और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथैटो ड्रेडिड एंड अनक्वेश्चन्ड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, उन्होंने वहाँ पर कंक्रीट प्रूफ, कंक्रीट मतलब वो तो फुल प्रूफ दिया कि उनकी जो माइट पावर है, हिथैटो मतलब क्या होता है, हिथैटो एक तरह से जो एक तरह से यूँ बोलेंगे हिथैटो ड्रेडिड मतलब हिथैटो मतलब होता है अनटिल नाउ, मतलब अभी तक, ड्रेडिड होता है फियरफुल, तो वो कहते हैं कि जो क्या प्रूफ दिया उन्होंने, कहा कि उनकी जो पावर है जो कि अब तक बहुत ज़्यादा फियरफुल थी, लोग डरते थे उनसे एंड अनक्वेश्चन्ड, और उनकी जो भी वो रूल बनाते थे उस पर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, कुड बी चैलेंज, उसको भी इंडियंस जो है चैलेंज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफर्ड, गवर्नमेंट बिल्कुल कन्फ्यूज हो गई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अब जो गवर्नमेंट लॉयर था प्रोसिक्यूटर का उसने जो है जज को रिक्वेस्ट करी कि जो ये ट्रायल, जो ये केस की सुनवाई है इसे पोस्टपोन कर दिया जाए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और उसी टाइम जो अथॉरिटीज थी उन्होंने भी कहा कि वो अपने जो सीनियर्स हैं उनसे जो है कंसल्ट करेंगे।